सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो टॉप थ्री जिम की ऐसी मिस्टेक्स है जो हर कोई जिम में करता है, चाहे वो बिगनर्स हो या तो जो ऑलरेडी जिम कर रहा है वो। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो बात करते हैं पहली मिस्टेक की। जिम जाने से पहले हम सभी लोग मील लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जिम जाते जाते ही मील लेते हैं, जैसे कि बनाना हो गया, एप्पल हो गया। वो चीज़ हमें नहीं करनी है, जो कि मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। क्योंकि हमें कोई भी अगर मील हम लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें 20 से 25 मिनट का टाइम चाहिए ही होता है। तो सबसे पहली मिस्टेक होगी ये, और दूसरी मिस्टेक ये होगी जो लोग जिम जाते हैं जाते ही ट्रेडमिल का यूज करते हैं, वो भी चीज नहीं करनी है। ट्रेडमिल जाते ही नहीं करना है, सबसे पहले हमें वार्म अप करना है। उसके बाद अगर आपको ट्रेडमिल पे जाना भी है तो आप पहले वॉक कीजिए ट्रेडमिल पे 5 से 6 मिनट, उसके बाद आप रनिंग कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग जाते ही 10 से 12 की स्पीड में लगातार कंटिन्यूअसली रनिंग करते रहते हैं। जिस तरह आपने सुना होगा काफी सारी जिमों में हार्ट अटैक के केस आए हैं, उसकी कहीं ना कहीं वजह ये भी है। लोग डायरेक्ट सीधा ही जाते, कोई रनिंग करने का, कोई सीधा वर्कआउट पे करें, ये चीज कभी नहीं करनी है। जाते ही पहले आपका सबसे पहला काम ये है, जाते ही पहले वार्म अप करना है, उसके बाद आपने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो अब बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट मिस्टेक की। कुछ लोग होते हैं जो अपना फैट रिड्यूस करने के लिए साइड डंबल लगाते हैं। मैं उनको ये कहना चाहूंगा साइड डंबल आप मत लगाइए, उससे साइड्स वगैरह कोई कम नहीं होती है, उल्टा आपके बैक पे जो है स्ट्रेस पड़ जाता है, जिसके कारण आपको इंजरी वगैरह भी हो सकती है। तो साइड डंबल भी आप अवॉइड कीजिए। अगर आप इन सब वर्कआउट का ऑल्टरनेट जानना चाहते हैं तो मैं आपके लिए उसके लिए आप नई एक वीडियो बना दूंगा। तो ये थी टॉप 3 मिस्टेक जो ऑलमोस्ट जो है लोग जिम में करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओ सूरज दी बड़कते उठदा है।